पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। ये वो धांधली का रोना है जो इमरान खान साहब रोते हैं। ये हाता मक्खन सिंह का पोलिंग स्टेशन, ये रवायत है कि यहाँ से हमेशा अलीम खान जीता है। यहाँ पर उनका जाती वोट बैंक है, ये कम से कम यहाँ से हम हजारों की लीड देंगे। और उन्होंने सिर्फ देखते हुए अपनी शिकस्त को, सुबह से लाइनें थी, जो ओछे कंडे इस्तेमाल किए, हम ये नहीं होने देंगे, ना इनकी बदमाशी चलने देंगे। जो शिकस्त है नोशा दीवार पे लिखी हुई है। और ये आज मैं मीडिया के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आज हजारों की लीड इस पोलिंग स्टेशन से लिख ले देते हैं, इन्हें मिलेंगी। यहाँ पर हमारा जाती वोट बैंक मौजूद है। इस एरिया के अंदर सिर्फ दो लोगों का वोट बैंक था, एक मुस्लिम लीग नून और एक अलीम खान। आज दोनों इकट्ठे हैं जो कि है, इनको जगह नहीं मिलनी। और इन्होंने जो बदमाशी की है, जिस लड़के के साथ ज्यादती की है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं 5 बजे तक पोलिंग के अमल को चाहता हूँ पुरमन हो। जितने हमारे कारकुनान हैं ये ओछेत कंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं उन्हें ताकीद करूंगा कि आप सिर्फ वोट निकालने के ऊपर तवज्जो दें। 5 बजे के बाद इंशाल्लाह ताला जो आज के मुजरिम है ये आपको सलाखों के। मुझे ये बताएं, जमशेद साहब को भी यहाँ पर जो है वो जो पीटीआई के रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, और इस चीज पर पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिस भी लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जमशेद चीमा ने, बहादुर खान ने और जो दूसरे लोग हैं उनकी सरबराही के अंदर बदमाशी की है। जमशेद चीमे ने आगे किया और आज इंशाल्लाह ताला हम जमशेद चीमे की पूरी बदमाशी निकालेंगे।